तो कहानी की शुरुआत वसीरी नाम के लड़के को दिखाते हुए होती है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ शिकार करने के लिए आया हुआ था। यहाँ ग्रैंडफादर शिकार करने के लिए अपने घोड़े का इस्तेमाल करते हैं और उसे चारा बनाकर बांध देते हैं, जिसके बाद वो वसीरी को शिकार करने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब तक शिकार हमारे जाल में नहीं फंस जाता तब तक हमें पत्थर की तरह एकदम शांत बैठना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक भेड़िया दिखाई देता है जो कि उनके घोड़े को खाने के लिए आ रहा था। जैसे ही वो भेड़िया घोड़े के करीब आता है तब ग्रैंडफादर वसीरी को शूट करने को कहते हैं, जिस पर वसीरी साहस के साथ उस भेड़िये को शूट कर देता है। वसीरी नहीं जानता था कि इस इंसिडेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 1942 का समय दिखाया जाता है। ये वो समय था जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर के आतंक का सामना कर रही थी। इस वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था और फिर वो सभी सोवियत यूनियन के जरिए एशिया की ऑयल वाली जमीन की ओर बढ़ने लगे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए रशिया की रेड आर्मी स्टेरिनग्राद नाम के शहर पर तैनात हो जाती है और जर्मन सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगती है। पर जर्मन सेना इस शहर पर हमला करके काफी रशियन सैनिकों को मार देती है, इसलिए रेड आर्मी की मदद करने के लिए एक बैकअप फोर्स भेजी जाती है। तभी हम उस बैकअप फोर्स को एक ट्रेन में देखते हैं जिसमें वसीरी भी होता है जो कि अब एक अच्छा स्नाइपर बन चुका था। वेल, रशियन सेना स्टेरिनग्राद शहर के आम लोगों को बाहर निकालकर शहर खाली करवा रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा रशियन सैनिकों को इस शहर में रोका जा सके। इसके बाद रशिया की बैकअप फोर्स स्टेरिनग्राद पहुंच जाती है। यहां से उन्हें एक बोट पर ले जाया जाता है। असल में रेड आर्मी उन्हें बोट से फ्रंट लाइन पर ले जा रही थी जहां पर युद्ध चल रहा था। जब बैकअप फोर्स युद्ध के मैदान को देखती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि जर्मन सेना ने उन पर पूरी तरह से काबू पा लिया है और उन्हें यहाँ एक सुसाइडल मिशन पर भेजा जा रहा है। इसलिए कुछ सैनिक बोट से भागने की कोशिश करते हैं, जिन्हें भागते हुए देखकर उनके साथी उन्हें शूट करके मार डालते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए जर्मन सेना उन पर ओपन फायर कर देती है जिससे कई रशियन सैनिक घायल हो जाते हैं, पर किसी तरह उनकी बोट डॉक पर पहुंच जाती है जहां से बचे हुए सैनिकों को तुरंत दो दो की जोड़ी में बांट दिया जाता है और उन दोनों सैनिकों में से सिर्फ एक को राइफल दी जाती है जबकि दूसरे को गोलियां देकर अपने साथी की मदद करने का काम दिया जाता है। यहां वसीरी को सिर्फ कुछ गोलियां मिलती हैं और उसे अपने साथियों की मदद करने का कहा जाता है। वो सभी जैसे ही मैदान में उतरते हैं तो जर्मन सेना उन पर हमला करने लगती है, जिससे बचने के लिए वसीरी छुप जाता है और छिपते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी कुछ सैनिकों को लगता है कि वो इस जंग को नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कुछ सैनिक युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागने वाले अपने साथियों द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते युद्ध का मैदान रशियन सैनिकों की लाशों से भर जाता है। कुछ ही देर बाद मैदान में एक कार आती है और एक टैंक से टकरा जाती है। असल में ये कार रशियन सेना के एक कमिश्नर डेनिलोव की होती है जो कि अपनी जान बचाने के लिए उस कार से कूद जाता है। यहाँ चारों तरफ उसके दुश्मन मौजूद थे, इसलिए वो मरने का नाटक करता है और खुद को लाशों के बीच छिपा लेता है। इसके बाद वहाँ जर्मन आते हैं और बचे हुए लोगों को मारने के लिए लाशों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। तब डेनिलोव अपनी सांस रोक लेता है और किसी तरह अपने दुश्मनों से बच जाता है। जैसे ही जर्मन उससे थोड़ा दूर जाते हैं तब डेनिलोव अपने मरे हुए सैनिकों की राइफल उठा लेता है और जर्मन सैनिकों पर निशाना लगाने लगता है। दूसरी तरफ हम वसीरी को देखते हैं जो कि डेनिलोव की तरह मरने का नाटक कर रहा होता है और जब उसे अपने पास की राइफल के गायब होने का एहसास होता है तो वो डेनिलोव के करीब आता है। यहाँ डेनिलोव देखता है कि राइफल में गोलियां नहीं है। तब वसीरी कमिश्नर को अपने हिस्से की गोलियां सौंप देता है और उसे बताता है कि जब यहाँ कोई ब्लास्ट होगा तभी तुम्हें गोलियां चलानी होगी जिससे वो लोग हमारे लोकेशन का पता नहीं लगा सकेंगे। अब क्योंकि डेनिलोव के पास राइफल चलाने की स्किल्स नहीं थी इसलिए वो उस राइफल को वसीरी के हाथ में सौंप देता है। इसके बाद वहाँ एक और कार आती है जिससे ब्लास्ट शुरू हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वसीरी सभी जर्मन स्नाइपर्स को मार डालता है। तब वसीरी की स्किल्स को देखकर डेनिलोव बहुत इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो हेडक्वार्टर्स पहुंचने के बाद वसीरी की बहादुरी के बारे में एक नोट लिखता है जिसे वो पेपर में भी छप पाता है। इसी दौरान रेड आर्मी के हेड ऑफिसर को महसूस होता है कि उनकी सुरक्षा कमजोर हो रही है क्योंकि उनके सैनिक देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं हैं, जिस वजह से उनकी सोवियत फोर्स भी कमजोर हो रही है। इसलिए चेयरमैन निकिता अपने डिफेंस सिस्टम को दोबारा सही करने का सोचते हैं, जिसके लिए वो एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो बड़े बड़े ऑफिसर से पूछते हैं कि हमें अपनी सेना को सही करने के लिए क्या करना चाहिए, जिस पर डेनिलोव कहता है कि हमें अपनी सेना को उम्मीद देने की जरूरत है, जिसके लिए हमें एक ऐसा हीरो चाहिए
जो मातृभूमि की रक्षा के लिए सभी सैनिकों को मोटिवेट कर सके। जिस पर निकिता देनिलोव से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी नजरों में ऐसा कोई सिपाही है जो रेड आर्मी का हीरो बन सके। तब देनिलोव उन्हें वसीरी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर निकिता बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसकी स्टोरी को सभी न्यूज़पेपर्स में छापने को कहता है। जिसके बाद वसीरी की स्किल को देखते हुए उसे स्नाइपर डिविजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही उसकी कहानी पूरे देश में फैल जाती है, जिससे वो काफी फेमस हो जाता है। तब उसे रशियन सेना का आइकन मान लिया जाता है और जब भी कोई लड़का सेना में भर्ती होता है तो वो वसीरी की तरह बनने का सपना देखने लगता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और वसीरी धीरे धीरे जर्मन्स को मारने लगता है, जिससे जर्मन्स युद्ध हारने लगते हैं। इसलिए वो वसीरी को मारने के लिए मेजर कॉनिक को बुलाते हैं, जो कि जर्मन सेना का फेमस स्नाइपर होता है। दूसरी ओर हम वसीरी को एक मिशन पर देखते हैं, जहां उसकी मुलाकात साचा नाम के एक लड़के से होती है। साचा वसीरी को बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और उसी की तरह बनना चाहता है। साथ ही वो वसीरी को अपने घर पर इनवाइट करता है, जिसके लिए वसीरी मान जाता है और उसके घर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात साचा की माँ मिसेस फिलिपोव से होती है। तभी वहां डेनिलोव आ जाता है, जो वसीरी को उसके फैंस के लेटर देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने फैंस को जवाब देना चाहिए। इसलिए वसीरी अपने फैंस को जवाब देने के लिए लेटर्स लिखने लगता है। कुछ देर के बाद वहां तानिया नाम की लड़की आती है, जो कि एक सैनिक है और मिसेस फिलिपोव उसके लिए एक फैमिली की तरह है। यहाँ वसीरी तानिया को बताता है कि मैंने स्टालिनग्राद जाते समय तुम्हें ट्रेन में देखा था। जिस पर तानिया कहती है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा, लेकिन पेपर में तुम्हारी न्यूज़ पढ़ी है, इसीलिए मैं तुम्हें पहचानती हूँ। यहाँ डेनिलोव और वसीरी दोनों को ही तानिया बहुत पसंद आती है और वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तभी डेनिलोव को पता चलता है कि तानिया को जर्मन भाषा आती है, इसीलिए वो उसे हेडक्वार्टर में जॉब दे देता है, ताकि वो जर्मन कोड को समझ सके और उनकी मदद कर सके। लेकिन तानिया इस काम को करना नहीं चाहती थी। तब डेनिलोव उसे बताते हैं कि तुम ये जॉब करके बहुत सारे सैनिकों की जान बचा सकती हो, इसीलिए तानिया उसकी बात मान जाती है। अगले दिन वसीरी को पुरानी डिपार्टमेंट स्टोर में तैनात किया जाता है, क्योंकि वहाँ एक जर्मन स्नाइपर उनकी सेना के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। जब वसीरी वहाँ पहुँचता है तो उसे खिड़की के पास एक शैडो दिखाई देती है, तब वो उस पर शूट करके उस स्नाइपर को मार डालता है। यहाँ एक बार फिर वसीरी की स्किल्स देखकर उसके साथी इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद वसीरी अपने एक साथी के साथ उस मरे हुए स्नाइपर का टैग लेने के लिए जाता है और अपने दूसरे सैनिक से उन्हें कवर करने को कहता है। तभी अचानक से एक जर्मन स्नाइपर वसीरी के दूसरे सैनिक को शूट करके मार डालता है, जिससे वसीरी समझ जाता है कि उसने जिस शैडो पर गोली चलाई थी वो कोई स्नाइपर नहीं था, बल्कि जर्मन स्नाइपर ने उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए एक चाल चली थी। असल में जर्मन स्नाइपर कॉनिक था, जिसे अभी अभी वसीरी को मारने के लिए लाया गया था। इसी बीच जर्मन सेना के प्लेन बिल्डिंग्स पर बॉम्ब गिराने लगते हैं, जिससे वसीरी का साथी बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने का सोचता है। तब वसीरी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है, जिससे कॉनिक उसे देख लेता है और गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद कॉनिक वहाँ से निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात साचा से होती है, जिससे कॉनिक अपने जूते साफ करवाता है। तब साचा उसे खाने के बदले वसीरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता है। दूसरी तरफ वसीरी डेनिलोव से मिलता है और उसे जर्मनी के नए स्नाइपर के बारे में बताता है, जिस पर डेनिलोव उसे बताता है कि उस स्नाइपर का नाम कॉनिक है, जो कि जर्मन सेना का सबसे अच्छा स्नाइपर है। तभी डेनिलोव वसीरी को कुलिकोव नाम के स्नाइपर से मिलाता है, जो कि कॉनिक से स्नाइपर चलाना सीखा था, इसलिए वो कॉनिक को अच्छी तरह जानता था। यहाँ डेनिलोव वसीरी की मदद करने के लिए उससे कहता है कि अब से कुलिकोव तुम्हारे साथ ही रहेगा। अगले दिन वसीरी, कुलिकोव और वोलोडिया नाम का सैनिक पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं और जर्मन सैनिकों को मारने लगते हैं, लेकिन जल्द ही तीनों को पता चल जाता है कि वो जर्मन्स के जाल में फंस गए हैं, इसलिए वो तीनों एक सेफ जगह खोजने लगते हैं। तब दुश्मन उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन इसी तरह वो एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं और जर्मन्स पर नजर रखने लगते हैं। इसी तरह रात हो जाती है और वो तीनों डिनर की तैयारी करने लगते हैं। तब वोलोडिया को याद आता है कि वो अपना सूप दूसरे कमरे में भूल गया है, इसलिए वो सूप लेने के लिए भागता है, जिस दौरान वहाँ जर्मन्स आ जाते हैं और वोलोडिया को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ जर्मन्स उससे वसीरी के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, जिससे जर्मन्स उसे अपनी यूनिफॉर्म पहनाकर बाहर भेज देते हैं। यहाँ वोलोडिया की यूनिफॉर्म देखकर
कुलिकोव को लगता है कि वो एक जर्मन सैनिक है, इसलिए कुलिकोव उसे शूट करके मार डालता है, जिससे जर्मन्स को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। तब कुलिकोव जर्मन्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए एक हेलमेट को खिड़की पर उठाता है, जिसे देखकर जर्मन्स उस पर शूट कर देते हैं, जिससे उन्हें भी जर्मन्स की लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद वसीली और कुलिकोव अपनी लोकेशन बदल लेते हैं, जिसके बारे में कॉनिक को पता चल जाता है। तब कॉनिक मौका देखकर कुलिकोव को शूट कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। यहाँ कई सैनिकों के मरने के बावजूद भी निकिता डैनिलोव पर कॉनिक को मारने का दबाव डालता है। इसके अलावा कान्या डैनिलोव को वापस आर्मी में ट्रांसफर करने के लिए कहती है, क्योंकि वो हेडक्वार्टर में जॉब नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वसीली अपने साथियों की मौत से दुखी होकर हेडक्वार्टर में लौटता है, जहाँ डैनिलोव उससे वादा करता है कि वो कॉनिक के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालेंगे, ताकि वो उसे आसानी से मार सके। साथ ही उसे बताता है कि तानिया बैटलफील्ड में जाना चाहती है, पर हमें हेडक्वार्टर में उसकी बहुत जरूरत है, इसलिए तुम्हें उससे बात करके उसे समझाना होगा। तब वसीली तानिया को समझाने की कोशिश करता है, जिस पर तानिया उसे बताती है कि जर्मन्स ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला था, इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की ताकि मैं उनकी मौत का बदला ले सकूं। वसीली उसकी बातों को समझता है और उसके डिसीजन का सपोर्ट करते हुए उसे कुलिकोव की राइफल दे देता है। इधर कॉनिक वसीली के ठिकाने के बारे में पता लगाने के लिए एक बार फिर साचा से मिलता है, जिस पर साचा उसे वसीली के ठिकाने के बारे में बता देता है। और फिर अगले ही दिन कॉनिक उस लोकेशन पर चला जाता है और वसीली के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वसीली और उसके साथी पाइप्स के जरिए उस जगह पर आते हैं, तभी कॉनिक उसे देख लेता है और जल्दी से उस पर शूट कर देता है, जिससे वसीली की राइफल नीचे गिर जाती है और उसका एक साथी घायल हो जाता है। यहाँ वसीली जल्दी से एक चट्टान के पीछे छिप जाता है और अपने साथी को वापस हेडक्वार्टर लौटने को कहता है। तब वसीली का साथी हेडक्वार्टर पहुंचकर तानिया और डैनिलोव को सारी बातें बताता है, इसलिए तानिया बिना सोचे समझे वसीली को बचाने निकल जाती है। यहाँ वसीली लगातार चाकू और रस्सी की मदद से अपनी राइफल को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कॉनिक उसे राइफल खींचने का कोई भी मौका नहीं देता। तभी जर्मन सेना के प्लेन वहाँ बॉम्ब गिराकर चले जाते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है और हर जगह कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं, जिससे कॉनिक को एक कांच के टुकड़े में वसीली क्लियर दिखाई देने लगता है। इसी दौरान तानिया भी वहां आ जाती है, तब वसीली उसे अपने पास आने से मना करता है, जिसके बाद वसीली भी उस कांच की मदद से कॉनिक को देखने लगता है। इसीलिए वो तानिया को इशारा करके उसके बारे में बताता है और फिर उसे कांच के टुकड़े की मदद से लाइट रिफ्लेक्ट करने को कहता है, जिस पर तानिया एक कांच के टुकड़े से उस कांच पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कॉनिक उन्हें देख रहा था। ऐसा करने से रिफ्लेक्ट हुई लाइट सीधे कॉनिक की आंखों में चली जाती है, जिससे उसे कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। इस मौके का फायदा उठाकर वसीली अपनी राइफल उठा लेता है और कॉनिक को शूट कर देता है, जिससे गोली कॉनिक के हाथ में लग जाती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इसी शाम वसीली और तानिया अपने साथियों के साथ अपनी छोटी सी जीत का जश्न मनाते हैं। अगले दिन वसीली डैनिलोव से कहता है कि मैं एक आम सैनिक बनना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैं आर्मी का हीरो बना हूँ तब से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। जिस पर डैनिलोव उसकी बात से इनकार करता है और उसे बताता है कि अब हम साचा का उपयोग करके कॉनिक को मारेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि साचा एक डबल एजेंट के रूप में काम कर रहा है। खैर, साचा की मदद से उन्हें कॉनिक की लोकेशन का पता चल जाता है। तब वसीली को उसे मारने का लास्ट मिशन सौंपा जाता है। इसके बाद वसीली जमीन पर पड़ी लाशों के बीच चला जाता है और लाश होने का नाटक करने लगता है, जैसा कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे शिकार करते समय सिखाया था। ठीक वैसे ही वो कॉनिक को मारने के लिए छिपकर उसका इंतजार करता है और अपने बचपन का वो दिन याद करता है, जिस दिन वो अपने ग्रैंडफादर के साथ शिकार करने के लिए गया था, लेकिन कई घंटों तक कॉनिक वहां नहीं आता और इंतजार करते करते वसीली की आंख लग जाती है। तब एक जर्मन सैनिक वहां आता है, जो कि वसीली का स्नाइपर लॉग उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर वो सैनिक अपने कमांडर को वो स्नाइपर लॉग दिखाता है, जिससे उन्हें लगता है कि वसीली मर चुका है, इसलिए वो कॉनिक को वापस घर जाने को कहते हैं। लेकिन कॉनिक को 100% यकीन था कि वसीली अभी जिंदा है। इधर जर्मन हेडक्वार्टर लाउडस्पीकर के माध्यम से वसीली की मौत की अनाउंसमेंट करता है। इस बीच कॉनिक वसीली को पकड़ने के लिए साचा को अपनी अगली लोकेशन के बारे में बताता है, क्योंकि वो जानता था कि साचा एक डबल एजेंट है, इसलिए वो रशियंस को उसकी लोकेशन के बारे में जरूर बताएगा। खैर, वसीली जब काफी समय तक हेडक्वार्टर में नहीं आता है तो डैनिलोव को भी विश्वास हो जाता है कि वसीली मर चुका है, इसलिए वो पेपर में उसकी मौत के बारे में लिखना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वसीली वहां आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जल्द ही वसीली को साचा के जरिए पता चलता है कि तानिया
अज्ञात ओनिक को मारने के लिए स्टेशन पे हुई है, जिससे वसीली और डेनिलोव जल्दी से उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो तानिया को सुरक्षित देखकर खुश होते हैं। यहां तानिया वसीली को जिंदा देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसे किस कर लेती है। असल में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, पर जब डेनिलोव को इसके बारे में पता चलता है तो वो वसीली से नफरत करने लगता है, क्योंकि वो भी तानिया से प्यार करता था। डेनिलोव इस बात से इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी सेना के प्रति सभी जिम्मेदारियों को भूल जाता है और हेडक्वार्टर पहुंचकर वो सबसे कहता है कि वसीली एक देशद्रोही है। इस बीच कॉनिक को भी पता चल जाता है कि वसीली जिंदा है। इसके बाद वो साचा को मारकर उसे लटका देता है। जब तानिया साचा को मरा हुआ देखती है तो वो उसकी मौत का बदला लेने के लिए कॉनिक के पास जाती है। तब वसीली उसे संभालता है और कॉनिक को मारने की कसम खाता है, जिसके बाद वसीली उसे साचा की माँ को यहाँ से बाहर निकालने को कहता है। यहाँ डेनिलोव और तानिया मिसेस पीपॉव को साचा के बारे में बताकर दुख पहुँचाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसे झूठ बोलते हैं कि साचा जर्मन सेना में शामिल हो गया है, जिस पर मिसेस पीपॉव भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका बेटा हमेशा सुरक्षित रहे। यहाँ से मिसेस फिलिपोव को बाहर निकालने के लिए एक बोट पर ले जाया जाता है। तभी अचानक से एक बॉम्ब फट जाता है, जिससे तानिया घायल होकर बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर बताता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर जाने का फैसला करते हैं, जिस पर मिसेस फिलिपोव रोने लगती है और सेना से कहती है कि तानिया मेरी बेटी है और मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए वो तानिया को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ डेनिलोव वसीली के पास जाता है और उसे तानिया की मौत की खबर देता है। साथ ही वो खुद को तानिया की मौत का जिम्मेदार समझता है, जिस वजह से उसे बहुत गंदा महसूस होता है और वो खुद को मारना चाहता है, इसलिए वो कॉनिक के सामने आ जाता है। तब कॉनिक उसे शूट करके मार डालता है। यहाँ कॉनिक को लगता है कि उसने वसीली को मार दिया है, इसलिए वो जीत की उम्मीद करते हुए सावधानी से आगे बढ़ता है, जहाँ वसीली पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी कॉनिक देखता है कि वसीली ने उसके ऊपर राइफल पॉइंट करके रखी हुई है, इसलिए कॉनिक अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए मरने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वसीली उसे शूट करके मार डालता है। इसके बाद वसीली डेनिलोव का सम्मान करते हुए उसके हाथ में अपनी राइफल रख देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें 2 महीने बाद की कहानी बताई जाती है, जहां स्टालिनग्राद शहर जर्मन से आजाद हो चुका है। साथ ही वसीली को तानिया का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि वो हॉस्पिटल में है और अब ठीक है, इसलिए वसीली तानिया से मिलने उस हॉस्पिटल में जाता है और उससे मिलकर बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।